मोहतरम चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। सर, मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेल में। सर, कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि एक सियासी एक जो है ना कोई इत्तेहाद होने वाला है, कोई तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये एक मैं समझता हूँ कि मिस्टर बिलावल भुट्टो ने बड़ी वफादारी शो की है दुख तकलीफ में सियासी लोगों को, और नेशनल लेवल के जो लीडर हैं उनकी आपस में मुलाकात होती रहनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एस्टेब्लिश करती है डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। अच्छे हालात बुरे हालात ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, बीमार हर कोई बंदा हो सकता है, तो इसमें तीमारदारी करना, आके मिलना, मैं समझता हूँ उनका एक अखलाकी फ़र्ज़ भी था और उन्होंने अपना अखलाकी फ़र्ज़ अदा किया है। बाकी रही सियासत की बात, सियासत चलती रहती है, कभी ज़रूरत पड़े तो इताअत भी हो जाते हैं, और उन्होंने जो कहा है मिसाक जमहूरियत को दोबारा ज़िंदा किया जाए, इसमें मेरा ख्याल है कोई मज़ायका नहीं है, होना चाहिए। जो इस मिसाक जमहूरियत की वजह से दोबारा जमहूरियत बहाल हुई थी पाकिस्तान में, अगर उसका दोबारा अदा करना चाहते हैं तो अच्छी, दिस इज़ अ गुड साइन, अच्छी बात है। ये जमहूरियत को मजबूत करने का एक तरीका है। तो बाकी इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट जो किया जा रहा है वो मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं है। ये एक दूसरे का कल को उनके ऊपर कोई तकलीफ आ सकती है, उनमें से कोई बीमार हो सकता है, तो पता लेना, एक दूसरे का पता करना और मिलना, आज सियासी लोगों का वैसे मेल जो रहना चाहिए आपस में, इतनी वफादारी तो होनी चाहिए ना। इतनी वफादारी नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी क्या है और सियासत क्या है? सर, सियासत में तो सर ऐसा ही है ना, सियासत में तो ऐसा होता है कि लीडर जो है ना वो इस हद तक चला जाता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, लेकिन सर अवामी सतह पर अवामी नुमाइंदे हैं तो इस सूरत हाल को वो डिस्टर्ब नहीं होते, यार देखो कल गालियाँ दे रहे थे आज इकट्ठे हो गए, तो सर इसमें आपकी क्या राय है? सियासत के अंदर कल का जो अवाम को क्या तरबियत देंगे? नहीं नहीं, सियासत के अंदर जो कल का मुखालिफ होता है वो परसों का दोस्त भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सियासत में थोड़ी बहुत नशेबो फराज और मेल मुलाकात रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो अभी कोई इसमें कोई ऐसा कोई वाज़े इत्तेहाद भी नहीं हुआ, सिर्फ इतनी सी बात है, कोई मिलने के लिए आए हैं, उन्होंने गुड विशेस जो हैं वो पेश की हैं अपनी, और उनके लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इसमें बताएं आप क्या क्या गैर सियासी काम, सब क्या समझते हैं कि आज ज़रूरत है दोनों पार्टियों इकट्ठे होने की? इकट्ठे हो भी सकते हैं जरूरत के मुताबिक। मेरा सवाल है क्या जरूरत है आप और इस हुकूमत का मुकाबला करने के लिए? क्यों नहीं जरूरत है, जरूरत होती है, अगर इत्तेहाद के साथ चलेंगे तो बेहतर अपोजिशन होगी, जितनी मजबूत अपोजिशन होगी उतनी गवर्नमेंट के लिए बेहतर गाइडलाइन होगी और गवर्नमेंट जो है वो बेहतर काम करेगी। उनको पता होगा कि हमारे मुकाबले के अंदर जो अपोजिशन है बड़ी स्ट्रॉन्ग है और मुत्तहिद है, अगर मुत्तहिद होंगे तो जो गाइडलाइन देंगे वो हुकूमत को उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा और आवाम की बेहतरी में होगा ये सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि ये दोनों पे ये होते हैं अपना गाड़ी के अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी, तो ये अगर आपस में एक दूसरे के साथ पूरे मजबूती के साथ चलेंगे और मजबूती के साथ अपोजिशन करेंगे तो गवर्नमेंट का भी फायदा होगा इसमें। क्या ऐसा नहीं लग रहा सर आपको, जिन कुफ्तों ने आपने भी इसका जिक्र किया था कि इस ताकत को लेकर आए थे, इस हुकूमत को लेकर आ गए, तो क्या वो उनसे अब बज़्ज़त हो गए और नया सेटअप चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखें हालात ऐसे हैं, मैं ये नहीं कि उनकी कोई फेवर कर रहा हूँ, मैं यह आपको बता रहा हूँ कि हालात ऐसे हैं कि इस वक्त उनको फौरी तौर पे कायदे मोहतरम कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ भी हटाना नहीं चाहते, इनको जरदारी साहब भी हटाना नहीं चाहते, मोहतरम जरदारी साहब भी हटाना नहीं चाहते। ये दो मेजर कुवतें हैं सियासत के अंदर, तो बाकी हजरात भी इनको कोई भी हटाना नहीं चाहता, इनको चाहते हैं कि ये चलें और ये एक्सपोज हों, पता चले कि इनसे कुछ नहीं होता, कोई काम करने के काबिल नहीं है, और ताकि अगले इलेक्शन में इनका जो है ना वो अवाम जो है वही जो है इनका फैसला करें। पीपल्स पार्टी का लीडर है सर खुर्शीद शाह, उन्होंने कहा जी कि अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है जेल में तो इसकी जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट होगी, तो इसमें कोई उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने सही कहा है कि जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत के ऊपर होती है, और उनका उन्होंने बड़ा अच्छा ये जेस्चर शो किया है, उन्हें करना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ आपको कि इतनी वफादारी सियासी कायदीन में और नेशनल लेवल के जो लीडर में होनी चाहिए। चीज़ और सर हुई, बिलावल साहब ने कहा बार आकर के मियाँ साहब जो है ना कोई डील नहीं चाहते। हाँ तो ठीक है, उन्होंने कब वो डील चाहते हैं, ना उन्होंने कोई डील मांगी है ना कोई डील मांगी है, पूरा अपना हालात को फेस कर रहे हैं, तकलीफ भी काट रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ वो अपना स्टैंड जो उसके ऊपर मजबूती से। आप एक पुराने सियासतदान हैं और काफ़ी आपकी गुर्बत रही है, किस कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त हैं? मैं समझता हूँ 100% दुरुस्त है अपने मौक़ में, इसमें मौक़ में क्या, सियासी आदमी है, सियासी बंदे को अपना सियासी स्टैंड जो उसके ऊपर मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए, इसी में उसकी इज्जत होती है, इसी में उसकी फॉलोइंग होती है।
Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-4485. Commerce or technical books ke bani Azim Group of Publications 1988 se qaim shuda Pakistan aur duniya ke mukhtalif mamalik mein Azim Group ki kitabe textbook ke taur par padhai jati hain. Urdu Bazaar, Lahore. Phone number 9242372314848.